सबका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं पेन के द्वारा, और 5 रुपये वाला पेन से ड्राइंग को बनाएंगे गाइस। तो चलिए दिखाते हैं आपको हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बना के, और किस तरह से बनाते हैं वो भी आपको सारा चीज़ वीडियो में बताने वाला हूँ। और पेन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो चलिए गाइस दिखाते हैं किस तरह से, और आपको भी बताएंगे किस तरह से आपको करना है। तो वीडियो बने रहे एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो गाइस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और साथ ही हमारा पेज को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो में बने रहे। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर मेरा ड्राइंग रखा हुआ है, और ये देख सकते हैं इसको हमने आधा कम बना के रखा है। और इधर हम लोग चटाई बिछाएंगे गाइस, इधर हम लोग चटाई बिछाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर से बनाएंगे। मेरे पास वैसे टेबल उबल का व्यवस्था नहीं है, मिट्टी का घर है, तो गाइस इसी के ज़मीन पे ही बनाते हैं, और ज़मीन पे ही मज़ा आता है बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग चटाई उटाई बिछाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। चटाई बिछा लिए, अब ऊपर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, हमने हेयर को पहले से ही ड्रॉ करके रखा था, और यहाँ पे देख सकते हैं ललाट पे, जिसको हम लोग कपार बोलते हैं अपने भाषा में, तो इसको हम लोग ड्रॉ करके रखा था। और चलिए आपको रेफरेंस फोटो दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा रेफरेंस फ़ोटो, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हल्के हल्के नोज में शेड है उसको हल्के प्रेशर में अप्लाई करना है, और हल्का हल्का जो हल्के से मतलब जो होता है ना वाटर कलर में लाइट से डार्क, वही सेम टेक्निक पेन में भी करना है। तो ये टेक्निक आज तक से कोई भी आर्टिस्ट नहीं बताया होगा जो पेन का जो शेड होता है और अगर किस तरह करना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना, जब भी हम लोग वाटर कलर पेंटिंग बनाते हैं तो लाइट से शेड जाते हैं, वही सेम टेक्निक पेन में भी करना है। लाइट से शेड आपको करना है, लाइट से डार्क तक जाना है। तो हल्के हल्के प्रेशर में हम लोग पेन को अप्लाई करेंगे और लाइट से डार्क तक जाएंगे। तो सेम टेक्निक आपको जिस तरह हम लोग वाटर कलर में करते हैं वाटर कलर पेंटिंग, वही टेक्निक आपको पेन में भी करना है। तो गाइस वीडियो भी बने रहें और एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक बनेगा ड्राइंग, और ड्राइंग देख के जाना, और साथ ही वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना गाइस। और ये मेरा न्यू चैनल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कान पे जो हाईलाइट दिख रहा है वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही हमने देखा भी नहीं था और डार्क चला दिया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है, और रेफरेंस फ़ोटो को जिस तरह है उसी तरह से आपको भी करना है। तो सबसे पहले मैं कभी भी बोलूँगा कि जब भी पेन को चलाओगे आप लाइट, सबसे पहले लाइट उसके बाद डार्क जाना है। तो सेम टेक्निक करना है गाइस, जिस तरह हम लोग वाटर कलर पेंटिंग करते हैं उसी तरह एकदम सेम करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा लाइट था, यहाँ पे हमने डार्क कर दिया। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी इस चीज़ गलती नहीं करना है, और एकदम थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है गाइस, और अकबका के काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बहुत एकदम नहीं करना है, और चलिए वीडियो पे बने रहें और काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा आपको। तो चैनल को प्लीज़। तो दोस्तों इधर पानी आया है नल पे, तो पानी भर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं गाइस ये देसी फाउंटेन बन गया है, इसके अंदर झूड़ी साज दिए। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा
ये फाउंटेन जो पार्क वर्क में दिखता है वही वाला बन गया है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है गाइस, देख सकते हैं लगभग 10 फीट तक फेंक रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें नहाने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए गाइस इसको बंद कर देते हैं। भी निकल रहा है, पूरा फुल प्रेशर में सर, बंद नहीं होगा, निकल जाएगा लग रहा है, अब नहीं निकलेगा। इधर पानी छाना हुआ है गाइस बर्तन वर्तन धोने के लिए, तो चलिए। तो फ्रेंड्स नल पे पानी आया था तो पानी को बंद कर दिए, और चलिए गाइस वीडियो बने रहे, बहुत ज़्यादा बोरिंग किए, और तब तक लिए ड्राइंग को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स ड्राइंग किस तरह लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग किए गाइस, और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो बहुत छोटा छोटा बनाऊंगा गाइस, और इसमें आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे।